स्टॉक विद अभी में आपका स्वागत है। आज सर मैं आपके सामने दो कंपनी ऐसी लेके आया हूँ जो कि अपने सपोर्ट पे खड़ी हुई हैं। सपोर्ट का मेरा मतलब है कि यहाँ से ये ज़्यादा आप गिरेंगी नहीं, यहाँ से गिरने की संभावना बहुत कम है। अगर थोड़ी बहुत गिर सकती है तो 480-490, लेकिन यहाँ ज़्यादा गिरेगी नहीं। कंपनी बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है और यहाँ से इसके बढ़ने की संभावना है। और इस कंपनी खासियत ये है कि ये एक दो साल तक ऐसे पड़ी रहती है और अचानक बहुत ही जबरदस्त मूव देती है। तो ये डेढ़ साल से अपने एक रेंज में बनी हुई है, 500-600 इसी रेंज में बनी हुई है। और यहाँ से अब ये जब ब्लास्ट करेगी तो ज़्यादा इसको डबल होने में मुश्किल से एक महीना लगता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, करती क्या है कि ये बेवरेज क्षेत्र में भी काम करती है और FMCG सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा इसने बहुत से काम कर रखे हैं और ये उन लोगों के लिए कंपनी है जो सोचते हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिले जिसमें हम इन्वेस्ट करें, साल दो साल के लिए इन्वेस्ट करें और ये हमारे पैसे को मल्टीपल कर दे, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। ये इसको देखिए आप, इसका ये जो हर क्षेत्र में काम करती है, इसने जो इसके जो क्लाइंट देखो आप कंपनी के, इस कंपनी जो क्लाइंट हैं वो देखिए आप, ये देखो आप इसके क्लाइंट, गोदरेज कंज्यूमर है, HUL है, बाटा इंडिया है, पेप्सिको है, विप्रो है, US पोलो है, सभी क्लाइंट हैं इस कंपनी के, सभी बेहतरीन कंपनियाँ इस कंपनी के क्लाइंट हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको आप फोकस में रखें। और अब इसको जरा फंडामेंटल वगैरह देखते हैं, इसके फंडामेंटल देखेंगे इसके, तो मार्केट कैप है इसका 5881 करोड़ का, इसकी प्राइस चल रही है 513 की, ROC इसकी 18.2 की है और ROE है 21% की, ठीक है सर। अब इसका जरा क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएं तो देखो सेल्स इसकी लगातार इंक्रीज हो रही है। पहले लगातार ये देखो 2020 से 772, 1407, 2020 2598 लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है। EPS भी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, 1.76, 2.07, 3.52, 3.96 लगातार इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो EPS बढ़ रहा है। रिजर्व देखें तो रिजर्व देखो, पहले 165 करोड़ फिर 232, रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। हाँ कर्जा है थोड़ा, कर्जा तो अब इतना काम कर रही है, बहुत से क्षेत्रों में काम कर रही है, थोड़ा बहुत कर्जा है, कोई दिक्कत नहीं है कर्जे की ज़्यादा। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये हिंदुस्तान फूड, इसको आप अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देगी यहाँ से ये कंपनी। इसके बाद अगली कंपनी में लेके आया हूँ, इसी में दूसरी कंपनी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल की कंपनी है, अभी तक केमिकल का जो अपना सेक्टर है वो थोड़ा दबा रहा है, लेकिन इसमें ये केमिकल सेक्टर अब 2024 में इसके चलने की संभावना है। और केमिकल सेक्टर जब बूम करता है तो बहुत जल्दी पैसे को आपके पैसे को मल्टीपल करता है। फिनोटेक्स केमिकल क्षेत्र की सबसे अच्छी तो नहीं सबसे बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये अच्छी कंपनी है। फिनोटेक्स केमिकल है और भी है आपकी कंपनियां, दीपक फर्टिलाइजर भी केमिकल ही है, दीपक नाइट्रेट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन फिनोटेक्स केमिकल मुझे इसलिए पसंद है कि इतना केमिकल सेक्टर पर दबाव था, लेकिन इस कंपनी ने, बड़ी बड़ी कंपनियों रिजल्ट अच्छे नहीं दिए, SRF है, दीपक नाइट्रेट, इन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन इसने फिनोटेक्स केमिकल ने लगातार अच्छे रिजल्ट दिए। 392 पे चल रही है, मार्केट कैप इसका 4348 करोड़ का है, स्टॉक पी इसका 37.6 का है, ROC देखो 36.5 की मेंटेन है, ROE 28.9 की है। बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, केमिकल की डेब्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। और केमिकल की सबसे मुझे तो बहुत पसंद है ये कंपनी, बड़ा अच्छा रिटर्न, जब ये रिटर्न पे आएगी तो आपको ये कंपनी बहुत जल्दी 1000 पे दिखाई देगी। थोड़ा टाइम लगेगा आप 1000 पे, मैंने कही तो ये नहीं कि अभी 1000 पे ये कल ही दिखाई दे जाए आपको या एक महीने में दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें आप थोड़ा वेट करते हैं, अगर एक साल का भी आप वेट करते हैं तो ये कंपनी आपको आराम से ईजिली आपको ये 1000 का टारगेट दिखा देगी। सेल्स देगी लगातार बढ़ रही है इसकी, प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 10 साल से कंपाउंड ग्रोथ बढ़ रही है, 80% से लगातार मेंटेन की है। CAGR देखो आपका 10 ईयर का 64% है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। रिजर्व देखो 377 करोड़ का है, कर्जा ना के बराबर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसको आप फोकस में रखो, फोकस में नहीं मैं तो कहता हूँ इसे पोर्टफोलियो में धीरे धीरे। हाँ, और एक बात और कि ये जो मैं 2 शेयर लेके आया हूँ, इसके बाद आपको एक और शेयर बताऊंगा, 3 शेयर लाया हूँ कुल इसमें, इनमें आपको धीरे धीरे पैसे बढ़ाने, क्योंकि जो ये एक ऐसा होता है कि जब हम पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं अपना या इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो तरह की कहानी होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक होता है कि ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है तो इन्वेस्टमेंट में हमें धीरे धीरे करना चाहिए,
तो धीरे धीरे का मतलब, जैसे हमें मान लो 500 क्वांटिटी लेनी है या 300 क्वांटिटी लेनी है या 400 क्वांटिटी, या सपोज करो 100 क्वांटिटी लेनी है, तो जितनी क्वांटिटी आपको, वो तो आपके अनुसार है, जितनी लेनी है तो उनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख को आप 3 भागों में डिवाइड कर लो, 30-30 हज़ार करके 3 भाग में लगा दो। तो इस तरह इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप यकीन मानो इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक हिंदुस्तान फूड बताया मैंने, एक फिनोटेक्स केमिकल बताया, एक और कंपनी बता रहा हूँ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे आपको। 1 साल अगर आप रुकते हैं इनमें, तो ये पैसे को आपको मल्टीपल कर देंगे। हाँ, बशर्ते रुकना पड़ेगा सर, बिना रुके तो शेयर मार्केट आपके लिए, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। इसी के साथ दूसरी कंपनी एक और है, अगली कंपनी इजी ट्रिप प्लानर। इजी ट्रिप प्लानर ये भारत अपने प्रधानमंत्री जी के जो भारत को टूरिज्म का हब बनाना है, तो उसमें ये बहुत अच्छा भूमिका निभाती है इजी ट्रिप प्लानर। रेल की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, सब टिकटें, होटल मोटल मुहैया कराना, सारी कुछ चीज़ें कराना, इसका काम है, टूरिज्म से संबंधित काम है, सारा कुछ प्रोवाइड कराती है ये कंपनी आपको टूरिज्म से संबंधित। मार्केट कैप 8,018 करोड़ का है, करंट प्राइस था 45.2 की, आरओसी देखो, या आरओसी देखो आपको 54.6 की, आरओई 46.9% की है। यही बहुत अच्छी कंपनी है। सेल्स इसकी भी देखिए आप, लगातार बढ़ रही है, 141 करोड़, 138 करोड़, 233 करोड़, 430 करोड़, 400, लगातार इसकी बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है। और किसी कंपनी, अच्छी कंपनी वो चाहिए क्या आपको? प्रॉफिट बढ़ रहा है और इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स लगातार बढ़ रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है। बस हमें केवल फिर जब ये ऐसी कंपनियां जो होती हैं लगातार अच्छा रिजल्ट दें, प्रॉफिट दें, तो इनको हमें ये नहीं देखना है कि ये चल नहीं रही है, ये चल नहीं रही। जब किसी भी कंपनी को या किसी भी शेयर को आप ये समझो दूना होने में कितना टाइम लगता है, मैच 4-10 दिन पड़ी रहेंगी कंपनियां, पड़ी रहेंगी, और जब वो दूनी होंगी मतलब शेयर डबल होगा आपका, तो मुश्किल से 10 या 15 दिन चाहिए किसी शेयर को एकदम भागने के लिए, एकदम डबल होने के लिए, फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये बॉटम फिशिंग करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें मैंने आपको 3 कंपनियां बताई हैं, इजी ट्रिप प्लानर, हिंदुस्तान फूड और फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यकीन मानिए ये आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देंगी, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। हाँ, एक बात और सर, कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं तो काफ़ी कंपनियाँ, जब आप हर कंपनी जो बताऊँगा वो बेहतरीन ही होगी, सारी कंपनियाँ अच्छी बताऊँगा। अब इसमें ये नहीं है कि आपको सोचो कि पैसा हमारे पास इतना, हम हर कंपनी लेने का प्रयास करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हर कंपनी तो ले नहीं सकते, सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, तो वो आपको अपने अपने अनुसार मैनेज करना है। जैसे आपके पास जितने रुपए हैं एक पोर्टफोलियो में, आप 7 से 8 शेयर शामिल करिए। अब ये वीडियो इसलिए है कि सारी कंपनियाँ अच्छी हैं तो वीडियो तो बनाते हैं, तो इसमें ये थोड़ी कि आप सारी कंपनियाँ ले लेंगे। आपको जो 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 मैं कंपनियां बताता हूँ उसमें आप 5-6-7-8 कंपनियां रख लो, और उन कंपनियों को ही आप उनमें एडजस्ट करते जाओ, उनमें पैसे एडजस्ट करते जाओ, अपने पैसे लगाते जाओ। सारी कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, और जिसको भी आप चाहो उन्हें उनमें 7-8 कंपनियां छांटो, उनको आप अपने पोर्टफोलियो रखिए, और इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करिए। हाँ, ऐसे लोग जो कि बॉटम से लेना चाहते हैं तो ये 3 कंपनियां बेहतरीन है उनके लिए। और इसी के साथ मैं आपको एक शेयर आज देना चाहता हूँ, उसका क्या कहते हैं, जो कि जल्दी से आपको ग्रोथ करेगा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।